ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। क्वेश्चन नंबर 31, डॉक्टर के लक्ष्मण। प्रश्न क्रमांक 31, क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ख, सरकार द्वारा देश में पुस्तकालयों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ख, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के अंतर्गत देश में कितने केंद्रीय पुस्तकालय और जिला पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं और कितने पुस्तकालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। और ग, विगत 3 वर्षों के दौरान पुस्तकालयों की स्थापना के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति मंत्री। फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर के लक्ष्मण। थैंक यू सर। लाइब्रेरी बीइंग ए स्टेट सब्जेक्ट बट स्टिल यू बीइंग ए जेनरस थ्रू राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन अंडर योर मिनिस्ट्री यू हैव एक्सटेंडेड फाइनेंस असिस्टेंस टू मेनी पब्लिक लाइब्रेरीज। सर अंडर NML स्कीम यू हैव एक्सटेंडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 6 स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरीज। ए वेलकम स्टेप सर। इज देयर एनी प्रपोजल फ्रॉम योर मिनिस्ट्री थ्रू NML टू सेटअप ए नेशनल लेवल वर्चुअल लाइब्रेरी एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए डिजिटल लाइब्रेरी टू क्रिएट ए वाइब्रेंट लाइब्रेरी इकोसिस्टम दैट सपोर्ट्स एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन टू प्रमोट इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। सर ऑनरेबल मिनिस्टर। धन्यवाद सभापति महोदय। आई वुड लाइक टू थैंक ऑनरेबल मेंबर फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड अप्रेजिंग द वर्क डन थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर अपग्रेडेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन द स्टेट्स डिस्पाइट इट्स ए स्टेट सब्जेक्ट। माननीय सभापति महोदय, नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी की चर्चा माननीय सदस्य ने की है और क्या ऐसा हम नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी बनाने की कोई योजना या कल्पना करते हैं उसके बारे में प्रश्न पूछा है। मैं माननीय सदस्य और आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि ऑलरेडी नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की जा चुकी है और नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी के माध्यम से एक वर्चुअल लाइब्रेरी म्यूजियम, हज़ारों की संख्या में मैन्यूस्क्रिप्ट्स और लाखों की संख्या में किताबें उसमें ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं जो मल्टी लिंगुअली सर्च की जा सकती हैं और साथ साथ में उसमें उस वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, कोई भी उसे सर्च कर सकता है ऐप के माध्यम से भी और डायरेक्ट सर्च इंजन के माध्यम से भी। और मैं ये मानता हूँ कि इसे और आगे बढ़ा करके हम आने वाले समय में जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसमें लाइब्रेरी को सेटअप करके, लाइब्रेरी को अवेलेबल करा करके हमारे पूरा जो है हमारी कल्चरल नॉलेज को और हमारी रेयर बुक्स को, हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स को सबको, लोगों को रिसर्चर्स के लिए और बेहतर तरीके से उपलब्ध करा रहे। सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर के लक्ष्मण। सर इज देयर एनी प्रपोजल फ्रॉम आवर तेलंगाना स्टेट बाय द अथॉरिटीज कंसर्न फॉर एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस बीइंग आस्क्ड टू सेटअप ए NML मॉडल लाइब्रेरी exclusively for the state central library which is established? No, you have asked your supplementary. Honorable Minister. Mani Sabhapati Mohode, Telangana Rajya mein bhi ek district library aur ek state library, dono ko already national model library jo ka pravdhan hai uske tahat support extend kiya ja chuka hai. जो सेंट्रल लाइब्रेरी 6 जिनकी चर्चा आपने की है वो भारत सरकार के प्रत्यक्ष जो है वो अधिकार क्षेत्र की जो लाइब्रेरीज हैं, ऐसी कोई एक लाइब्रेरी किसी तेलंगाना स्टेट में एस्टेब्लिश किए जाने का कोई भी प्रस्ताव इस तरह का विचाराधीन अभी मंत्रालय में नहीं। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री नीरज डांगी। श्री नीरज डांगी। यस यस आई नो आई एम वेटिंग फॉर हिम। आई विल हैव पेशेंस फॉर द ऑनरेबल मेंबर। वी आर फ्रॉम द सेम स्टेट। You are also from that state. Yes, sir. Sir, thank you. Pramod Tiwari ji is also from that state. Digvijay ji, being chairman doesn't change my state. Neeraj Dangi, third supplementary. Sir, dono hum ek hi state se hain, sir. Well, I have no doubt in saying I am chairman sir, for the entire nation of this Rajya Sabha. Dono ek hi state and so representing the country wherever it is possible on the globe. Siri, thank you so much, sir. Sir, pointedly. आपके माध्यम से सर मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, पुस्तकालयों के हालात देश में अनुकूल नहीं है और ऐसे में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के माध्यम से पंचायत स्तर तक भी हम लोग पुस्तकालयों का निर्माण किया जाता है, परंतु उनके निर्माण की गुणवत्ता पर निगरानी व जांच
एवं निर्माण के पश्चात उनके रखरखाव हेतु सरकार की ओर से क्या कोई कदम उठाए जाते हैं, यदि हाँ तो क्या, और ऐसे पुस्तकालयों की देश में कितनी संख्या है एवं इनमें से कितने सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं एवं कितने बंद पड़ चुके हैं या कितने बंद होने की कगार पर हैं। माननीय मंत्री जी। थैंक यू सर। सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, यदि मैं ठीक से समझ पाया हूँ तो, कि संसद सदस्य सांसद निधि से जो पुस्तकालयों का पंचायत में निर्माण करते हैं उनका रखरखाव करना, जैसा अभी माननीय सदस्य ने अपनी प्रारंभिक वक्तव्य में कहा था कि लाइब्रेरी इज ए स्टेट सब्जेक्ट एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो राज्य का विषय है और संसद सदस्य अगर संसद सांसद निधि से किसी लाइब्रेरी का निर्माण करता है उसका रखरखाव और अपकीप करना मुझे लगता है कि वो न तो प्रत्यक्षतः हमारे क्षेत्राधिकार में न हमसे जुड़ा विषय है। इस विषय को मुझे लगता है कि संबंधित विभाग से अपने जिले में अपने प्रदेश में माननीय सदस्य इसका उत्तर चाहेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से दिया जाए। श्री कार्तिकेय शर्मा। थैंक यू चेयरमैन सर। थ्रू यू आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर whether there is any provision for hosting critical national archive documents through a digital library with public access so that a wider population can have access to these important documents for free. Honorable Minister, apne mool prashn ke uttar mein bhi nivedan kiya ki humne national virtual library establish ki aur dheere dheere usme jo hai available books ki sankhya ko dheere dheere digitalization ke sath mein vriddhi karne ke liye hum kaam kar rahe hain। आने वाले समय में जितनी लाइब्रेरीज हैं इन सब पे और अधिक इस गति के साथ में काम किया जा सके और मैं तो राज्यों से भी इस बात के लिए सहयोग चाहता हूँ कि राज्य भी नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी में डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में बुक्स को अवेलेबल कराने की हमारी जो अम्ब्रेला है उसके साथ में जुड़ करके अधिकतम संख्या में ऐसी किताबों और डॉक्यूमेंट्स को उसके साथ में जोड़ेंगे तो निश्चित ही लोगों को इसके माध्यम से और अधिक जो है लाभ हो सकेगा। श्रीमती फूलो देवी नेताम। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि केंद्रीय पुस्तकालयों में लाइब्रेरी के कितने पद रिक्त हैं तथा अनुसूचित जाति व जनजाति का कितना वैकल्पिक है, कितना वैकल्पिक को शीघ्र भरने की क्या कार्य योजना है। मंत्री जी जवाब तब दीजिए जब मैं कहूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहता हूँ क्योंकि ये मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है कि कितने पद अभी वर्तमान में सैंक्शन है, कितने खाली हैं और उसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के उसमें अनुसूचित जाति जनजाति संवर्ग के कितने पद और कितने खाली हैं, मैं आपसे संरक्षण चाहते हुए इस बात के लिए आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित ही ये इन्फॉर्मेशन माननीय सदस्य के साथ में हम अवश्य ही साझा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, श्री पी विल्सन। प्रश्न क्रमांक 32, क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 133वीं प्रतिवेदन पर क्या कदम उठाए गए हैं और देश में उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय न्यायपीठों की स्थापना हेतु व्यवहार्यता अध्ययन कराने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है। ख, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता और सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। ग, क्या सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन आदि में वृद्धि करने का विचार कर रही है और घ, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। ऑनरेबल मिनिस्टर। विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल। उत्तर सभापति। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री पी विल्सन। सर, इन रिप्लाई टू माय क्वेश्चन for the establishment of regional benches for Supreme Court, you have given two reasons. One is the administrative decision of Supreme Court taken in 2010, and another is one case that is pending before the Supreme Court where there is no stay at all. I hope and trust that Law Ministry is not running at the administrative decisions of Supreme Court. You are a body which is answerable to the Parliament. Should not the Parliament hear the voice of the people and answer their fervent cries to open the doors of the justice to all sections of the society, as access to justice is not the preserve of the rich but right of every person in this great nation. Dr. Ambedkar said that Article 32 is heart and soul of the Constitution, and should not the Constitution Article 32 be made available
to all the citizens who are situated in different parts of the country. Sir, my question is... Your supplementary, Honourable Member. Yes. My question is, sir, the Ministry of Law and Justice, in their action taken report to the 133rd report of the Department Related Standing Committee of Law and Justice, has accepted the proposal made in 133rd report for regional benches of the Supreme Court, and this is reflected in 144th report. Why government is not attempting to bring constitutional amendment to Article 130 and establish regional benches of Supreme Court to fulfill the long pending demands of the litigants, lawyers and general public? Honorable Chairman sir, main aapke madhyam se माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि ये बात सही है कि आर्टिकल 130 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि सुप्रीम कोर्ट कहां बैठेगा और प्रेसिडेंट की सहमति हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर इसको ठीक समझे तो इस आर्टिकल 130 को इवोक कर सकते हैं, ये व्यवस्था है। लेकिन उसके बाद जो माननीय सदस्य ने कहा कि डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी जो लॉ एंड जस्टिस की है उसकी रिपोर्ट है 133वीं, ठीक है, हमारे पास लॉ एंड जस्टिस में आई, ये भी ठीक है। इन्होंने ये कहा कि 2010 का एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसके आगे आप क्यों नहीं बढ़ रहे हो। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि 2010 का भी डिसीजन है, 2007 का भी डिसीजन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पाया है और फुल कोर्ट इन द मीटिंग हेल्ड ऑन 18 फरवरी 2010 फाउंड, सुप्रीम कोर्ट फाउंड नो जस्टिफिकेशन फॉर सेटिंग अप ऑफ बेंचेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आउटसाइड दिल्ली। तो ये जो आर्टिकल 130 है इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय का विषय आया हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जब मैटर अब सब जुडिस भी है, इसलिए हम इसमें अब जब तक मैटर सेटल नहीं हो तब तक इसमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये इनको जवाब मैंने दिया। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री पी विल्सन। टू स्टे इन दैट केस, देयर इज नो स्टे इन दैट केस। नाउ द सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इज, एंड वन थिंग मिस्टर पी विल्सन, आई थिंक समडे द हाउस मस्ट डिबेट, yes, to what extent it can discuss a matter that is sub judice, yes, because the constitutional provisions are very clear, yes, we'll have it someday. Yes. Second supplementary. Yes, thank you Chairman sir. Sir, in your reply with regard to the enforcement of social justice in the appointment of judges to the High Court and Supreme Court, sir, you have said 661 judges who have been recruited from 2018 to 2023. Judges belonging to one particular caste are about 499, while OBC is 78, where scheduled caste is 21 and scheduled tribe is 12. Why there is a diversity deficit in the appointment of judges? And sir, in fact, two recommendations of Supreme Court Collegium dated 17-1-2023, so far as the Madras High Court is concerned, were sent, who were the candidates belonging to the OBC and minorities. Why are you sitting over the recommendations, Honourable of Minister, the Supreme Court when the candidates belong to the backward class and minorities? Chairman sir, main aapke madhyam se honorable jo mananiya sadasya unko batana chahta hu ki appointment of judges of the Supreme Court and High Courts is made under article 124 217 and 224 of the Constitution of India, which do not provide for reservations for any caste or class of persons. इसके बावजूद भी 2018 में जो हमारी वर्तमान सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है उन्होंने इसको कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कि आप उसका सोशल बैकग्राउंड बताएंगे। इसके आधार पर हम आपको कह रहे हैं कि 2018 के बाद जो हमने जजेज नियुक्त किए जिसमें 661 हाई कोर्ट जजेज अपॉइंट हुए उसमें 21 बिलोंग्स टू SC, 12 belongs to ST and 78 belongs to OBC. तो ये कैटेगराइजेशन 2018 के बाद शुरू हुआ है। इसके आधार पर फिर भी हम जब भी जो हाई कोर्ट के जब नाम भेजते हैं तब हम उनको लेटर लिखते हैं कि आप माइनॉरिटी SC ST वुमन के नाम ज्यादा से ज्यादा भेजो, और अब इस दिशा में तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। श्री प्रमोद तिवाड़ी, देयर इज अ मैकेनिज्म यू कैन आस्क, टेक रिक्वेस्ट टू रूल्स। श्री प्रमोद तिवाड़ी, थर्ड सप्लीमेंट्री। सर, मैं आपके माध्यम से न्याय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दो सवाल जुड़े हुए हैं आपस में। क्या कभी जब सर्किट बेंच या जो रीजनल बेंच की बात हो रही सुप्रीम कोर्ट की होगा,
तो इस देश के जो सबसे पुराना हाई कोर्ट में से एक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट को दिमाग में रखेंगे, विचार करेंगे कि वहाँ सर्किट बेंच बने, रीजनल बेंच बने, एक चीज। और इसी से दूसरा जुड़ा हुआ था, वैसे तो एक सप्लीमेंट्री में दो सप्लीमेंट्री नहीं, नहीं आधे आधा 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 और आधा है सर, इसी के साथ जुड़ा हुआ सर, इसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा दूसरा सवाल मेरा है कि एक प्रस्ताव था कि हाई कोर्ट, मेरे ख्याल से आपके संज्ञान में भी होगा, कि जजेस के रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी जाए 62-65 और सुप्रीम ये सुर्खियों वाली सप्लीमेंट्री हो गई तो क्या 62 से 65 और 65 से 70 करने पर विचार करेंगे वेतन और भत्ते के बढ़ाने के साथ? ये सेकंड एब्सोल्युटली पूरे देश में पढ़ा जाएगा ये। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। थैंक यू सर, चेयरमैन सर। रोचक प्रश्न है। रोचक भी है और कोई सीधा इससे जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं, फिर भी प्रमोद तिवारी जी का कोई प्रश्न टेढ़ा जरूर होगा। हाँ, टेढ़ा भी है, रोचक लगे कैसा ही चाहिए। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो सबसे पुराना हाई कोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, प्रमोद तिवारी जी अच्छा जानते हैं, हम भी जानते हैं, एक हमारे मेरठ में और आगरा में उसकी पीठ स्थापित हो, ये विषय लंबे समय से चल भी रहा है। तो हमने ई कोर्ट प्रोजेक्ट 3 उसके माध्यम से हम एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं, और हम हाई कोर्ट इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को भी पत्र लिख के कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ सुनवाई मेरठ से की जा सकती है, आगरा से की जा सकती है। उसका जवाब अभी आया नहीं, मुझे लगता है पॉजिटिव जवाब आने की संभावना है। दूसरा जो बहुत रोचक कहा है उसका अभी कोई रोचक भी है, महत्वपूर्ण भी है, वो अभी विचाराधीन नहीं है सर। तो क्या इस पर विचार करेंगे? प्रश्न ये था प्रमोद जी का, प्रश्न था क्या आप इस पर विचार करेंगे? सर अभी विचाराधीन तो उससे पहले जरूरी है कि क्या आपको अधिकार है विचार करने का? सर अभी विचाराधीन नहीं है, इतना ही कह सकता। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्री संजय सिंह। धन्यवाद मान्यवर। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह बताया है कि 699 जजों में हाई कोर्ट के 21 SC, 12 ST और 78 OBC हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब आप सभी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था लागू कर रहे हैं, तो क्या जुडिशरी में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की कोई योजना है? माननीय मंत्री जी। सर ये विषय मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूँ कि कांस्टिट्यूंट असेंबली में भी इस पर चर्चा हुई थी, और वहाँ तय हुआ था कि भाई इसमें रिजर्वेशन मत रखो, संविधान में भी ये व्यवस्था थी। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे मैंने कहा 2018 में ये विषय जब ध्यान में आया सरकार के, नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उनको, तो हमने कहा ये सोशल बैकग्राउंड जिसमें मार्जिनलाइज सोसाइटी के भी लोग हो सकते हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी वुमन, इनके जजेज भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हो, इस दिशा में तेजी से आगे बढ़े हैं और इसका आपको विजिबल भी नजर आ रहे हैं नंबर भी अलग अलग हाई कोर्ट्स में। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्री अजीत कुमार भुयान। Sir, North Eastern region consists of 8 states. The Guwahati High Court is functions for the 4 states of Arunachal Pradesh, Assam, Mizoram, and Nagaland. North Eastern region far away from the Supreme Court of India, which is located in Delhi, New Delhi. So my question is whether the government is planning to establish a Supreme Court bench in Guwahati for entire northeastern region. Honorable Minister. Sir, मैं जैसे आपके माध्यम से पहले जो जवाब दिया वही विषय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको दो बार 2007 में 2010 में इस पे फुल कोर्ट बेंच भी बैठी, और अभी मैटर सब जुडिस है, इसलिए मैंने जैसे पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद नहीं पाया कि अभी इसकी बेंचेज स्थापित करना उपयुक्त तो समय नहीं, ऐसा उन्होंने पाया। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 33 श्री मिथिलेश कुमार। प्रश्न क्रमांक 33, क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क
पिछले 12 महीनों के दौरान भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या का ब्यौरा क्या है? ख, महामारी के बाद वर्ष 2021 से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है? ग, क्या भारत का भविष्य में 100 मिलियन पर्यटकों के आगमन की आंकड़े तक पहुंचने का लक्ष्य है? घ, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और अंग, क्या सरकार ने देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सुरेश गोपी, पर्यटन राज्य मंत्री, द हाउस। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री मिथिलेश कुमार। माननीय सभापति महोदय, देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविध परिदृश्य और ऐतिहासिक स्थलों को देखते हुए भारत में पर्यटन विकास आर्थिक विकास के चालक के रूप में अपार संभावनाएं दे रखता है। हर साल लाखों पर्यटक भारत आते हैं, जिससे ये क्षेत्र महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न कर सकता है, नौकरियां पैदा कर सकता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित कर सकता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री, माननीय सदस्य, आपकी सप्लीमेंट्री। सर, सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार टिकाऊ पर्यटन प्रथाओं को सुनिश्चित करने और पर्यावरण और सांस्कृतिक संरक्षण को बनाए रखने में स्थानीय समुदायों का समर्थन करते हुए पर्यटकों की बढ़ती आमद को प्रबंधित करने तथा विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय करने की योजना बना रही है? माननीय मंत्री जी। सर, द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज रीच मी थ्रू यू सर विद योर ब्लेसिंग्स, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन द राज्यसभा। I take the blessings of all those seniors who have been with me during my first tenure in this office. Honorable Minister, thank you, sir. One second. I had the good fortune to go to your home district. Thank you. And enjoyed the backwaters, which are one of the best in the world. Yeah. Go ahead. It is also promise for tourism, sir. Tourism Kerala. So, the first question was relating to the number of tourists who visited India during the last 12 months, if I am right. And as per the information received from the Bureau of Immigration, the details of month-wise foreign tourist arrivals, FTAs, in the country during 2023 and 2024 till May are given below. I have placed the list, but for a wider understanding of the stakeholders and the retailers in the tourism industry, I would just go through a couple of numbers which should rather enthuse them and also give them the feel that we are from the pre-pandemic region through the pandemic region and the post-pandemic climatic conditions for growth, that we are surging forward. And to present a few numbers, if you check 2023 January, it was 8.7 lakhs, and now if you check 2024 January, it is 9.6 lakhs, which is a firmer growth. And February, from 8.7 as in 2023, 8.7 lakhs to 10 lakhs. And we have readings only up to the month of May. And June and July will follow. So, as of now, the total reading or digits say that 2023, the annual number was 92.4 lakhs. And till May, we are now at 40.7 lakhs. So that actually is a promising number. We will surge forward because of the added infrastructure, the logistic arrangements, the increase in number of the maybe home stays, the local area facilities widened, and the number of tourists, additional spots coming into the fray. I think it is going to be a promising year and years together for India tourism. सेकेंड सप्लीमेंट्री श्री मिथिलेश कुमार। क्या सरकार ने भारत में पर्यटन संबंधी सेवाओं को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू भागीदारों के साथ किसी समझौते या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
माननीय मंत्री जी। पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। माननीय सदस्य ने जो पहला प्रश्न पूछा था, क्योंकि मेरे माननीय राज्य मंत्री जी ने उसका जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन कुछ विषय जो उसमें छूट गए उनकी चर्चा करते हुए मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। इनका मूल प्रश्न जो था, पहला सप्लीमेंट्री जो था, उसमें आपने पूछना चाहा था कि क्या पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर के, पर्यटकों के नंबर्स बढ़ाने को लेकर के, उनको हम देश की संस्कृति का दर्शन करा सकें उसको लेकर के सरकार क्या, भारत सरकार क्या प्रयास करती है। मैं माननीय सदस्य के और माननीय सदन की जानकारी के लिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि टूरिज्म हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य का विषय है और प्राइमरीली राज्य सरकारें ही इन सब विषयों पर जो है अपने एक क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए काम करती है। टूरिस्ट की सुरक्षा भी मूलतः राज्यों का विषय है, लेकिन निश्चित ही भारत सरकार इस विषय में अत्यंत सावधानी के साथ में भारत आने वाले टूरिस्ट को जो है सुरक्षित माहौल मिल सके, वो एक्सपीरियंस कर सके, इस विषय पर काम करती है। जहाँ तक इंटरनेशनल टूरिस्ट को भारत में बुलाने के लिए किसी संस्थाओं के साथ में इस तरह का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करने का विषय है, भारत सरकार ने ये करने के बजाय हमारा अनेक देशों के साथ में बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं जिसमें हम एक दूसरे देश में जो है टूरिस्ट के नंबर्स को बढ़े उसके लिए प्रयास करते हैं और निरंतर भारत सरकार डिफरेंट मॉड्यूल्स के साथ में नंबर ऑफ टूरिस्ट बढ़ाने के लिए काम करते हैं। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री दिग्विजय सिंह। सर आई एम कॉलिंग योर नेम सर। थर्ड सप्लीमेंट्री। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय चेयरमैन सर। सर, माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ, कल यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने ट्रेवल एडवाइजरी अपडेट की है और उसमें ये कहा है कि कुछ भारत के क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, इंडो पाक बॉर्डर, मणिपुर और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया में लेवल 4 इशू किया गया है, क्योंकि वहां अपराध, टेररिज्म और वायलेंस में वृद्धि हुई है। क्या इससे एडवाइजरी रिलीज की है क्या? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, यूएस ने ऐसी कोई एडवाइजरी रिलीज की है अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, लेकिन मैं सदर माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद में वहां टूरिज्म में बेतहाशा वृद्धि हुई है और लगातार वहां टूरिस्ट की संख्या में वृद्धि हो रही है। वहां जाने वाले लोग निर्भय होकर के वहां टूरिज्म का आनंद ले रहे हैं और आने वाले समय में और वहां टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो, हम निश्चित ही उस दिशा में काम कर रहे हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, I had urged honorable members number of times, please don't use a newspaper report. Sir, if you one second, you lay the Sri Digvijay Singh ji is requested. Sri Digvijay Singh ji is requested to lay the advisory to which he has made a reference on the table of the house during course of the day. Sri Tiruchi Shiva. No, you can't raise anything. No. What's wrong with Shakti Singh? Shakti Singh, why are you shouting? You are forcing me to take action. I will not permit a newspaper report to be basis. I'm so sorry. Do you want me to name? Do you want to? Sri Shakti Singh Goyal, your conduct is condemnable. You are cushioning the chair. Why? Please. I urge all the members. I will try to accommodate every member. But one thing I am requesting you all with folded hands. This house must have something which is credible, which you are prepared to authenticate. You read anything in newspaper, you raise the issue. We don't, Mr. Tiruchi Shiva, for supplementary. Sir, nothing will go to Sri Tiruchi Shiva. Sir, would the minister be pleased to say that whether the ministry Mr. Jairam Ramesh intends kind to provide any and again sitting in the chair, one second, again sitting in the chair talking like this,
and every time I am embarrassed. I don't want to give an impression I am against a particular member. I am fair to all. Why do it? Please don't do it. I urge you, don't do it. There is a method where you can catch my attention. I have never declined you when you have acted in accordance with rules. I plead with you. I know you will speak. I will urge the top leadership to please make them aware of rules. Sir. Tiruchi Shiva. Mr. Chairman, sir. एक ही बात की कमी थी, वो आप दोनों ने पूरी कर दी. ऐसा मत कीजिए. श्री तिरुचि शिवा. थैंक यू मिस्टर चेयरमैन सर. इट्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, प्लीज योर सप्लीमेंट्री. वुड द मिनिस्टर बी प्लीज टू से वेदर द मिनिस्ट्री इंटेंड्स टू प्रोवाइड एनी असिस्टेंस टू द सेंट्रल एजेंसीज लाइक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड पोस्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया व्हिच डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड सोर्सेस टू डेवलप द टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर. It's a very important supplementary. Honorable Minister. Honorable Chairman, sir, development of tourism infrastructure doesn't fall under the purview of Archaeological Survey of India. Archaeological Survey of India only works for conservation and better keep up of the monuments. But the all as far as the tourism facility creation at the archaeologically important monuments or listed monuments, which are almost in 4,000 in numbers, the Ministry of Tourism with various scheme of Prashad and Swadesh Darshan, we try to increase the tourist facility center facilities, but primarily, as I have said it earlier in my in replying original question, that it is a subject of the state. So primarily the state does, the state takes the initiatives and Government of India supplements their initiatives. Srimati Ramila Ben Bechar Bhai Bara. फिफ्थ सप्लीमेंट्री. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष श्री. मोदी सरकार ने देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्षों में अनेक ठोस कदम उठाए हैं. राउंड द क्लॉक टोल फ्री बहुभाषी हेल्पलाइन सहित अनेक सुविधा. सप्लीमेंट्री आप मंत्री जी से क्या पूछना चाहती हैं? माननीय मंत्री को धन्यवाद करते हुए आपके माध्यम से मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ. माननीय मंत्री श्री से जानना चाहती हूँ, हमारे देश की समृद्ध विरासत और संस्कृति प्रति जानकारी एवं दर्शन करने के लिए आपने दो पहल शुरू की थी. भारतवासियों के लिए देखो अपना देश और विदेशियों के लिए चलो इंडिया, ये वैश्विक प्रवासियों के लिए आपने अभियान चलाया था. मैं जानना चाहती हूँ इसके अंतर्गत कितने टूरिस्ट ने लाभ लिया. धन्यवाद. माननीय मंत्री जी. वो अपना देश और चलो इंडिया दोनों ही स्कीम्स जो हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विभाग ने प्रारंभ की थी, और दोनों ही स्कीम्स ऐसी हैं जिनसे टूरिस्ट नंबर बढ़ने वाले का कोई डेटाबेस हम कैप्चर नहीं कर सकते. भारत में रहने वाले प्रवासी भारतीय, उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा की थी कि वो अपने प्रभाव कक्ष का उपयोग करते हुए पांच जिस देश में रहते हैं उसके ऐसे व्यक्तियों को प्रतिवर्ष रेफर करें कि वो भारत जाकर के भारत का दर्शन करें, भारत की संस्कृति, भारत के साहित्य, भारत के समृद्ध विरासत का अध्ययन करें. और हमेशा ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरह से संबोधित किया कि आप कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया हो जो प्रवासी भारतीय हैं, लेकिन वीजा डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रभाव जो भारत आने वाला व्यक्ति ये उल्लेख नहीं करता, ये इसलिए इसमें एग्जैक्ट नंबर्स में बताने में असमर्थ हूँ. लेकिन निश्चित ही कोविड के बाद में जिस तरह से पूरी दुनिया में टूरिज्म एक बार कॉलेप्स हो गया था, टूरिज्म सेक्टर कॉलेप्स हो गया था, लेकिन वापस रिबाउंड जब टूरिज्म सेक्टर हुआ है, अगर मैं केवल एशिया पैसिफिक के दृष्टिकोण से देखूं तो भारत में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में, एशिया पैसिफिक देशों की तुलना में, जहां 18% आज भी डिक्लाइन इन नंबर ऑफ द टूरिस्ट ऑफ प्री कोविड स्टेटस है, उसके कंपैरिजन में भारत में ये केवल 10% बढ़ा. और दुनिया के देशों में भारत इट इज ए गुड परफॉर्मर ऑफ द टूरिज्म है. ये सारे समन्वित प्रयास जो हैं भारत सरकार के, राज्यों की सरकारों के मिलकर ही भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने में कारगर हुए. क्वेश्चन नंबर 34, श्री निरंजन बीसी. नंबर 34. प्रश्न क्रमांक 34. क्या पर्यावरण,
वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क क्या सरकार की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद ने वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय हरित भारत मिशन GIM की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत 17.72 करोड़ रुपए है, और ख केंद्र सरकार अपने हिस्से के 10.63 करोड़ रुपए की पहली किश्त, जो कि कुल स्वीकृत आदेश का 60% है, कब तक जारी करेगी। ऑनरेबल मिनिस्टर, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री निरंजन बीसी। थैंक यू चेयरमैन सर, आई एम थैंकफुल टू ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर गिविंग डिटेल आंसर। ग्रीन इंडिया मिशन इज कम्स अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज विथ ए ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड द बायोलॉजिकल रिसोर्सेस एंड फ्लोरा एंड फौना ऑफ आवर नेशन इन एडवर्स क्लाइमेट चेंज। सर, इन ओडिशा देयर इज ए गंधमार्दन हिल रेंज कवरिंग 19,000 हेक्टर्स ऑफ एरिया विथ थाउजेंड्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना, एनिमल स्पेसीज, प्लांट स्पेसीज, हर्बल प्लांट्स, वाटर फाउंटेन एटसेट्रा। सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम ऑनरेबल मिनिस्टर दैट व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन बाय द मिनिस्ट्री टू डिक्लेयर गंधमार्दन हिल रेंज एज ए नेशनल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, जो मूल प्रश्न है वो उड़ीसा को कितना पैसा नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन में दिया गया उसके संबंध में है। मैं यहाँ पर ये आपके सामने कहना चाहूँगा कि जो नेशनल ग्रीन मिशन का विषय है, उसका जो उद्देश्य है वो देश में फॉरेस्ट कवर को इम्प्रूव करना है, इकोसिस्टम जो है हमारे पूरे फॉरेस्ट एरिया का उसको पूरी तरीके से व्यवस्थित करना है। उसके साथ ही साथ देश में ट्री कवर को बढ़ाने के साथ साथ ग्रीन कवर को बढ़ाने का उद्देश्य को पूरा करना है, और जो एक बड़ा विषय है एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री, उसको बढ़ाते हुए देश की जो वेटलैंड्स हैं उनको भी संवर्धित करने का और सुरक्षित रखने के लिए पूरा मिशन चलाया जाता है। जहाँ तक उड़ीसा के उन्होंने गंधमार्दन क्षेत्र की बात करी है, वो देश का एक महत्वपूर्ण बायोस्फीयर एरिया है, देश के प्रमुख बायोस्फीयर एरिया में से है। उसके अध्ययन के लिए मंत्रालय की ओर से हमने JSI को, BSI को स्पेशल टारगेट और टास्क दिए हैं, और उसके संरक्षण के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री निरंजन बीसी। थैंक यू सर। विल द मिनिस्टर प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट अंडर दिस ग्रीन इंडिया मिशन और इनिशिएटिव अंडर द प्रोजेक्ट्स। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, कि देश में हम लोगों ने विशेष रूप से जो हमारा जो फॉरेस्ट, जो डेंस फॉरेस्ट से या मॉडरेट फॉरेस्ट से लगातार कम हो रहे हैं, उसके लिए इस प्रोजेक्ट को हम उपयोग में लाते हैं, और जो हमारे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें सारी सक्सेस स्टोरी दी गई है। मैं माननीय सदस्य महोदय को उसकी प्रति उपलब्ध कराता हूं। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री साकेत गोखले। Thank you, sir. My question to the Honorable Minister is that under the Green India Mission, now in the last 10 years, India has lost over 500,000 hectares of tree cover. Also, last year, the government passed amendments to the Forest Conservation Act, which made it easy for mining projects and other projects to take over forest land, which was later stayed by the Supreme Court of India. So my question is, if the Green India Mission is for encouraging afforestation, why have we seen a loss of over 500,000 hectares of forest land in the last 10 years despite this mission running? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि एक बार वापस गंभीरता के साथ जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट में उसका अध्ययन करें। पर्याप्त अध्ययन के बिना इस प्रकार के आरोप लगाना ये उचित नहीं है। मुझे लगता है कि उनको इसमें सुधार करना चाहिए। और जो फॉरेस्ट, अध्ययन करके आते तो मैं बताता। आप बोलना ही चाहिए सर, कोई बिना अध्ययन करे बोलेगा तो सदस्य को तो कहना चाहिए। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। साकेत, टेक योर सीट। ऑनरेबल मिनिस्टर सर, देखिए ऑनरेबल मिनिस्टर,
सर उत्तेजना में तो वो बोलता है, वन सेकंड, देयर आर नॉट मेनी विद योर एक्सपीरियंस इन हाउस एट द मोमेंट. यस सर. यू प्लीज हैंड होल्ड साकेत, इज अ फर्स्ट टर्म एमपी बट नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड. साकेत, साकेत, ऑल ऑफ वन सेकंड. I can tell the honorable members. One second, please, no cross talk. Our learning does not end with anything at all. Even if we, can you take your seat? I hereby name. You have to learn discipline and decorum. You have to remember. You are a member of this august house. Being a member of this house is a prestige that is recorded ever in history. This is not the one second. Don't force my hands to go to the unpleasant extent. I will urge the leaders of the parties to please help me in this line. The honorable member Saket Gokhale has walked out of the house, and honorable members, I appreciate your gesture, but this is, one second, this is absolutely, I'm so glad. Now, honorable minister, the honorable member had drawn your attention, yes, sir, in a pointed manner, yes, sir, that the forest coverage in the country, yes, sir, is going down. Yes, sir. The honorable member has indicated that it has gone down to an extent of a particular hectares, sir, or acreage. Yes, sir. Now, if the honorable member is not factually, according to you, updated, yes, sir, I would greatly appreciate that you and the honorable member share what is the official record and interact with him. All of us have to work in coordination here for national welfare. We are not settling scores or brownie points. So if there is a document which indicates that what the honorable member has said is perhaps distance from facts, it can happen with me, it can happen with you, it can happen with anyone, because none of us is encyclopedic. So his issue is very clear, that we have to be alive to climate change. And I can tell you, honorable members, we don't have another planet. This is the only planet we have, and we are cliff hanging. If this planet becomes not livable, I know, I notice from this chair, which most of you do not, what the honorable member does every time. Not good. So, honorable minister, please continue. Sir, we want better climate first here, and then address climate change. Sir, संक्षेप में एकदम करेक्ट जवाब है सर. पहला, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ, वो कहाँ से इसको रिड्यूस करने की बात बता रहे हैं. भारत सरकार का जो ऑथेंटिकेट डाटा है वो FSI की रिपोर्ट है. मैं सदस्य को कहना चाहूँगा, उस रिपोर्ट पर अगर वो बात करेंगे तो उचित होता, उस रिपोर्ट में ऐसा नहीं. यू प्लीज शेयर इट विद हिम सर, आपके माध्यम से करूंगा सर. यू शेयर इट विद हिम ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे जी, एंड पुट इट ऑन द टेबल ऑफ द हाउस आल्सो. हां यस सर, ऑन द टेबल ऑफ. दूसरा विषय सर, सदस्य का ये भी गलत है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आया. तथ्यात्मक विषय था, मेरा आपके सामने रखना जरूरी है, इसलिए वो उत्तेजित हो रहे हैं तो गलत हो रहे हैं सर, होना नहीं चाहिए. दी वर्ड उत्तेजित इज विड्रॉन बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर. फोर सप्लीमेंट्री सुनाता देव एंड मैम, ब्रिंग द टेम्परेचर ऑफ द हाउस डाउन बिकॉज यू आर इन ग्रीन ड्रेस. थैंक यू सो मच सर. चेयरमैन सर, मुझे बोलने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए मौका देने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ, उड़ीसा की मयूरभंज जिले में सिमरीपाल फॉरेस्ट में एक
प्रजाति जो है मिलेनिस्टिक टाइगर, जो ब्लैक एंड व्हाइट टाइगर है, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, वो कहीं नहीं मिलता दुनिया में, हमारे सिमलीपाल में मिलते हैं। वो प्रजाति के धरोहर को बढ़ाने के लिए और उसको अच्छे से संरक्षित करने के लिए माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितना पैसा और क्या क्या प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया है, क्या क्या सुविधाएं लिया गया है कि उनको हम लोग कैसे संरक्षित करके रख सके और वो धरोहर को कैसे बढ़ाया जा सके। थैंक यू सो मच सर। जय जगन्नाथ। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, ये प्रश्न जो है वो टाइगर कंजर्वेशन को लेकर के है और हमारे देश को इस बात का गर्व है कि पिछले वर्ष ही हमने 50 ईयर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन के मनाए हैं और देश में अब हमारे पास 53 से ज़्यादा टाइगर रिजर्व है। उसमें जो सिमरीपाल जो हमारा टाइगर रिजर्व है वो एक विशिष्ट टाइगर रिजर्व है, जहाँ पर जो टाइगर की बात उन्होंने कही है वो हमारी एक विशेष प्रजाति है। उसको लेकर NTCA के माध्यम से कार्य किया जा रहा है और NTCA में सभी टाइगर रिजर्व्स के कंजर्वेशन के, प्रोटेक्शन के और बढ़ाने के लिए कार्य किए जाते हैं। इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, मुझे एक मिनट का समय जरूर दीजिए। नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन के साथ इस साल देश में जो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी दिया है और यह अभियान इसलिए महत्वपूर्ण है, माननीय सभापति महोदय जैसा कह रहे थे कि इस धरती पे, ये धरती हमको सब कुछ देती है और धरती की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम एक पेड़ कम से कम माँ के नाम जरूर लगाएं। हमारे मंत्रालय के द्वारा सभी सांसदों के लिए इसके संबंध में नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किए गए हैं और अभी उनको पत्र भी भेजा जाएगा। हमारा ये भी आपसे आग्रह रहेगा कि ऐसे पेड़ जो हमारे लोकल स्पीशीज के होते हैं, जैसे नीम है, ढाक है, पीपल है, बहेड़ा है, आंवला है, इस प्रकार के पेड़ लगाए जाने चाहिए और ये अभियान आज पूरे देश में चल रहा है और एक पेड़ माँ के नाम अभियान में हम सब जुड़े। माननीय सभापति महोदय जी, आपके नेतृत्व में भी इसमें कोई विशेष अभियान राज्यसभा में हो तो अच्छा रहेगा। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि मैंने सदन में सबसे आग्रह किया था कि हर माननीय सदस्य कम से कम एक साल में 200 पेड़ लगाए। मैं निश्चित मानकर चल रहा हूँ कि माननीय सदस्यगण ये काम बेखूफी कर रहे हैं, उसकी जानकारी सचिवालय को होगी तो हम सबकी नजर में वो बात भी लाएंगे। चूंकि मैंने ये कहा था, निर्देश दिया था, तो मैं इसकी अनुपालना कर रहा हूँ, ये मैं सदस्यों को आश्वस्त करता हूँ। जहाँ भी देश में जाता हूँ 2 पेड़ अवश्य लगाता हूँ। 5th supplementary श्री A.A. रहीम। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। Sir, how much money has been allocated to each state as part of the Green India Mission over the last 5 years? Sir, how much forest area has increased in each state as a result of the effective utilization of these funds? Honorable Minister. Sir, Green India Mission में total 17 राज्यों को 155,130 crore दिए गए, जो Annexer 1 और Annexer 2 में हर state के detail Annexer 1, 2 और 3 में इस प्रश्न के उत्तर के साथ दिए गए हैं और माननीय सदस्य को उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 35 श्री जीसी चंद्रशेखर। प्रश्न क्रमांक 35। क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थानीय और ग्रामीण संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ख सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य में संस्कृति को संरक्षित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ग क्या सरकार वोकल फॉर लोकल पहल के तहत कर्नाटक की स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कोई नई योजना बना रही है? और घ यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर। संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पटल पे रखा गया है। 1st supplementary श्री जी सी चंद्रशेखर। थैंक यू सर। सर, माई क्वेश्चन इज, इन कर्नाटक फॉर सम ऑफ द फेमस फोक आर्ट्स लाइक ಯಕ್ಷಗಾನ, ವೀರಗಾಸೆ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಸುಗ್ಗಿ ಕುಣಿತ, ಕಂಸಾಳೆ, ಹುಲಿವೇಷ, ಚಿತ್ತಾರ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಏಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಹಾಫ್ ಸೀಸನ್ಸ್? ಆನರೇಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್। ಮನೆ ಸಭಾಪತಿ ಮಹೋದಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಇಸ್ ತರ ಯೋಜನಾ ಕಿ इस तरह के फनकारों को, इस तरह के कलाकारों को, इस तरह के कलमकारों को ऑफ सीजन्स में कोई सुविधा प्रदान करें, इस तरह की कोई योजना संचालित नहीं करता। लेकिन कुछ राज्यों के द्वारा
ऐसे वेटरन आर्टिस्ट जो बुजुर्ग हो गए हैं, अब अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर सकते, उनके लिए इस तरह के पेंशन की स्कीम्स आयोजित की जाती हैं। और भारत सरकार भी ऐसे कलाकारों के लिए, वेटरन आर्टिस्ट के लिए जो अपनी लाइवलीहुड खो चुके हैं, उनसे उनके लिए पेंशन की योजना अवश्य चलाती है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री जी सी चंद्रशेखर। दिस इज इंडिया पार्टिसिपेट्स इन इंटरनेशनल फोरम्स लाइक अपकमिंग ब्रिक्स समिट 2024, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस समिट एक्सेट्रा। इज देर इज एनी इनिशिएटिव प्रपोज्ड टू प्रमोट वोकल फॉर लोकल आर्ट्स स्पेसिफिकली साउथ इंडिया वंस इन फ्रंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी सर? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन और सदस्य के संज्ञान में लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार इस तरह के अनेक कल्चरल फेस्टिवल्स अनेक देशों में आयोजित कर वहाँ भारत के फनकारों, भारत के कलाकारों का की कला का प्रदर्शन, भारत की संस्कृति का प्रदर्शन हो सके, इसके लिए निरंतर कार्य करती है। मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि जब G20 भारत की प्रेसिडेंसी में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, G20 को पूरे G20 की बैठकों को पूरे देश भर में अनेक स्थानों पर आयोजित किया गया और वहाँ सभी स्थानों पर इस बात का प्रयास किया कि भारत की संस्कृति और भारत के कलाकारों के कला का हुनर जो है वहाँ विश्व के स्तर पर हम प्रदर्शित कर सकें। अनेक देशों के साथ में हमारे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी हैं, उनके साथ में हमारे इस तरह के अंडरस्टैंडिंग्स हैं जिनके साथ में हम जो है अपनी कल्चरल एक्सचेंज के लिए काम करते हैं। श्री जवाहर सरकार, थर्ड सप्लीमेंट्री। थैंक यू वेरी मच फॉर इवन लुकिंग एट मी। नो सर, इट इज योर सब्जेक्ट। सर, I have looked at your party in every question. Sir, look around. वो तो ठीक है, आगे पीछे दाएं बाएं सब देखते हैं। This is a subject you have lived with. Sir, I have. Your pointed sir, question to the honourable minister. I would ask the honourable minister. There is a reply given to this question which refers to certain schemes. मैं आपसे सवाल भी करूंगा, आपसे विनती भी करूंगा कि ये जितने सारे स्कीम्स है इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ ऐसा कहूं कि दीज स्कीम्स आर द लाइफ ब्लड ऑफ कल्चर। हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ ग्रुप्स इन इंडिया डिपेंड ऑन दीज स्कीम्स। कल्चरल फंक्शन ग्रांट स्कीम, रेपर्टरी स्कीम, नेशनल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्कीम, दे आर नॉट गेटिंग your supplementary sir. Sir, they are not getting their funds, not only not that year, uske is saal mein apply karte us saal to milte hi nahi sir, your supplementary not even the next year. Sir, will you kindly please look at this, because all the cultural groups of India are complaining, honorable minister, for that they are just not getting it for 1, 2, 3, 4 years. Honorable minister, maniye sabhapati mahoday, maniye sadasya ne jo vishay sangyan mein laya hai, निश्चित ही उसके ऊपर एक बार माननीय सदस्य अगर मुझे और विस्तार से और अगर कोई पिन पॉइंटेड सूचना ऐसी उपलब्ध कराएंगे कि जहां ऐसा नहीं हुआ है तो उसमें सकारात्मक रूप से कार्रवाई हो सके, इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे। श्रीमती सीमा द्विवेदी। निर्भर भारत डिजाइन केंद्र ABCD स्वदेशी शिल्पकारों के सशक्तिकरण द्वारा और उनके कलाकार को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाते हुए इस अभियान को साकार करता है। महोदय, ABCD में पूरे देश में 70 शिल्पों को उनके शोध प्रलेखन और अंतिम रूप से तैयार किया गया है। महोदय, मेरा आपके माध्यम से क्वेश्चन ये है कि जो 17 लोगों को चिन्हित किया गया है, इस हिंदुस्तान में बड़ी जनसंख्या को देखते हुए क्या इनकी संख्या को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन 2023 में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय की कल्पना की थी और ऐसे आर्टिजन्स जिनकी बहुत बड़ी पहचान नहीं है और ऐसी विधाएं जिनकी पहचान भी जो है अभी स्थापित होना शेष है या कहीं काल के प्रवाह में वो धूली धूसरित हो रही हैं, उनको ढूंढ करके उनको एक बार प्रमोट करने के लिए, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग किस तरह से हो सके इसके लिए, उनको नई डिजाइंस के साथ में जोड़ करके उनका ग्लोबल एक्सपोजर हो सके इसके लिए इस को इनिशिएट किया गया था। और ऐसे 17 विधाओं को खोज करके उनको लाल किले में जो है वो स्थान प्रदान किया गया जहां देश विदेश के हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं और लाखों लोग वर्ष भर में आकर के उसे देखते हैं ताकि उस कला को पर्टिकुलर पूरी दुनिया के पटल पर ले जाया जा सके और उसका निश्चित रूप से लाभ हुआ है। आने वाले समय में इन 17 से अतिरिक्त भी
भाई कुछ नई विधाओं पर इस तरह से काम करें, इस पर निरंतर सातत्य के साथ सरकार काम करे। डॉक्टर फौजिया खान सप्लीमेंट्री। सर, कैन द गवर्नमेंट इलैबोरेट ऑन द यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजी टू प्रमोट एंड प्रिजर्व लोकल कल्चर अंडर द आत्मनिर्भर भारत एंड वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव? सर, स्पेसिफिकली व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन टू डिजिटाइज कल्चरल हेरिटेज एंड एनहांस द रीच ऑफ लोकल आर्टिजन्स, cultural practitioners and cultural industries through online marketplaces? Honorable Minister. सरकार क्राफ्ट के ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए कोई प्रयास करे ऐसा अभी विचाराधीन नहीं है, लेकिन निश्चित ही माननीय सदस्य का सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पर सकारात्मक रूप से सोचकर काम किया जाना चाहिए। We only have 25 seconds. Jairam. The Honorable Minister said that the information is available in the annexures. But there are no annexures uploaded. Sir. We'll look into it. We'll look into it. I mean, I would request you. It was an important supplementary. Quite appreciate. So we'll it's not here. So at the most, all I can say is we'll look into it. Question hour is over. अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे. You were listening to the proceedings during the question hour in Rajya Sabha today. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.